जिला वन मंडल खरगोन द्वारा मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता क्विज 2024 की जिला स्तरीय प्रतियोगिता उत्कृष्ट विद्यालय खरगोन में आयोजित की। उक्त प्रतियोगिता में जिले के लगभग 60 शासकीय और प्राइवेट स्कूलों के करीब 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उक्त प्रतियोगिता में जैव विविधता के संबंध में लिखित परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें महर्षि वेदव्यास पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल कसरावत की बालिकाओं की टीम, जिसमें अमूल्य पिता ब्रजेश कुमार व्यास कक्षा 12वीं के, अर्षी पिता अकील खान कक्षा 12वीं एवं राधिका पिता राजेंद्र यादव कक्षा 9वीं की छात्राओं ने तृतीय स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीता। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र एवं मेडल प्रदान किया गया। महर्षि वेदव्यास पब्लिक स्कूल कसरावत ने भी जिला स्तरीय आयोजन के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर छात्राओं एवं शिक्षक हेमंत गांगले को भी सम्मानित किया गया। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। खरगोन जिले के 57 स्कूलों के अंदर ये हमारा स्कूल प्रदर्शन करता है। ये माना जाएगा कि आप लोग उसमें अभ्यास कर रहे हैं, रुचि लेते हैं और अच्छा अध्ययन करते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा सिलेक्शन राज्य स्तर पर भी हो, इंटरेस्ट आएगा तौर पर। राज्य स्तर पर हमारा सिलेक्शन होता है तो इन बच्चों को राज्य स्तर के लिए भेजेंगे। धन्यवाद। हमारे यहाँ से जो तैराकी में बच्चे गए थे उन्होंने भी जिला स्तर पर सफलता प्राप्त की थी और उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए थे। तो महर्षि वेदव्यास पब्लिक स्कूल के विद्यालय के बच्चे शिक्षा में ही नहीं किंतु आपके सभी क्षेत्रों में अपना अपना उल्लेखनीय योगदान देते हैं। ये प्रतियोगिताएं ऐसी होती है जिसमें आपका मानसिक विकास होता है। विद्यालय संस्था से समय समय पर स्कूल के बच्चों को ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भेजते रहते हैं और उसमें हमारे विद्यालय के बच्चे हमेशा 100% देते हैं। उन बच्चों के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि एक बार फिर आपकी जो स्कूल है उसने पूरे जिले में अपना नाम किया है और आपके स्कूल को एक बार फिर से गौरवान्वित महसूस किया। तो बच्चों मैं बताना चाहूँगा ऐसे पालक की, ये मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि पापा बहुत कम समय है, इस तरह के एग्जाम में दूँ या नहीं दूँ, मेरे पास और भी बहुत लोड है पढ़ना है। मैंने बताया कि मेरा पढ़ाई का मतलब या शिक्षा प्राप्त करने का मतलब ये होता है कि हम जो कोई भी काम करते हैं वो हमारा समाज के लिए भी कोई दायित्व है, देश के लिए भी कोई दायित्व है। तो ये जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ के ही मज़ा आ रहा है कि आज हम जिस स्थिति में है तो जैव विविधता पर आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप समाज को इस बारे में जागृत कर सकते हैं। तब मैंने उससे बात की तो उसको लगा और उन्होंने फिर तैयारी शुरू की और निश्चित ही आपके स्कूल के पिछले स्थान पर पहुँचाए और बहुत जल्दी ये बच्चे प्रथम स्थान पर भी इस स्कूल को पहुँचाएंगे। धन्यवाद, एक बार सभी को शुभकामनाएं। बधाई। और जितने भी अभी गैस में बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं उन सभी लोगों को, उन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ऐसे ही आप पार्टिसिपेट करते रहे तो बाकी बच्चे भी जो मन में ये सोचते हैं कि हम कर सकते हैं उनमें है वो चीज़। अभी किसी वजह से एजुकेशन है या करना डरते हैं कि आप करेंगे तो ऐसा नहीं गलत हो जाएगा तो हम क्या होगा हमारा, तो फाइट करना सीखिए, सामने आइए, गलत तो गलत पर तो उसको करना सीखिए। इसका आप भाग ही नहीं लेंगे तो आप सफल कैसे होंगे। आपने कल जो एग्ज़ाम दिया किस तरीके का एग्ज़ाम था और क्या तैयारी थी इसके लिए? ये एग्ज़ाम बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड यानी जैव विविधता का एग्ज़ाम था और इसमें हमें सारे जैव विविधता से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, बायोडाइवर्सिटी हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी कैसी है, MP में कैसी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आप क्या बोलेंगे, किस तरीके के कार्यक्रम से समाज को क्या जागृति मिलती है, क्या क्या है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल